नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के पीपरी और तरकुलही में बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। वही शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा समारोह स्थल पर बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान ना तो कहीं सफाई में कमी आनी चाहिए और ना ही किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह और जिलाधिकारी विजय करण आनंद से कहा है कि समारोह में जिन लोगों को आमंत्रित किया जाना है उनकी सूची समय से बन जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोगों के जाने के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया था। तो गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और जो शिलान्यास यहां पर होने वाला है आयुष विश्वविद्यालय का, उसका जायजा लिया है। काम किस तरह से हो रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका कितना ध्यान रखा जा रहा है, इसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा यहां पर योगी आदित्यनाथ ने लिया। आपको बता दें कि 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। वहीं शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर सीएम योगी लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा समारोह स्थल पर बने हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई और तमाम चीजें जो हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोल दिए गए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में सभी स्कूल पिछले कई महीनों से बंद थे, जो आज खोल दिए गए हैं। वहीं आज महीनों बाद स्कूलों में बच्चों की चहल पहल दिखाई दी। साथ ही लंबे समय के बाद स्कूल खुलने से बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस भी जारी की हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और नोएडा की। आप बता दें कि कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर आने की भी आशंका लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर सभी स्कूलों के लिए सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि जब यहां पर हमारे संवाददाताओं ने प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में जाकर देखा, तो सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होते दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, नोएडा। लखनऊ की बात करें तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। जो टीचर्स हैं वो भी मुंह पर मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं और एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है। हालांकि पहले ही 50% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर तस्वीर देखेंगे तो साफ सफाई, तमाम व्यवस्था, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन साफ तौर पर करवाया जा रहा है। और नोएडा के स्कूल की आप तस्वीर देखेंगे तो असेंबली के दौरान भी बच्चे जो हैं वो 2 गज की दूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही खास तस्वीरें ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों से सामने आई है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि पैंडेमिक था, समय क्रूशियल था, सभी के सामने प्रॉब्लम्स आई है, वैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं अभी सभी के सामने समस्या थी, तो हमें जैसे स्कूल ऑफ था, मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है, स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जिससे हमारा जो है डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, वो सभी सॉर्ट आउट होती रही है हमारी समय समय पर। लेकिन वो बात नहीं आती है, सभी के साथ समस्याएं आप समझ रहे हैं। जो कोरोना काल में जो हम सबके साथ में हुआ, स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में एक 2 साल जो प्रक्रिया जो गई है कोरोना काल की, बहुत खराब स्थिति में गई है। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो जो प्राइवेट टीचर्स थे उन पर प्रभाव पड़ा है। उनको पूरी तरह से सैलरी नहीं मिल पाई और जो रूरल एरिया में है, आप भली बात ही समझते हैं कि रूरल एरिया में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। सर, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारा सहज पब्लिक स्कूल जो है, हमारे प्रिंसिपल जो है, फुल प्रिंसिपल सर जो है, उनकी फुल सपोर्ट रही है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या हमारे टीचर्स हो, हमारा स्टाफ जो है उसको टाइम पर उन्होंने सैलरी प्रोवाइड की गई है, ऑनलाइन क्लास दी गई है हमारे स्टूडेंट को सभी को, और जो भी उनको प्रॉब्लम फेस की है उन्होंने घर पे बैठ के, वो
आके बहुत आराम से हैंडल कर लेते थे। पारस, आज काफी समय बाद स्कूल में पहुंचे, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर, सब टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, पर इतना जितना क्लास में बैठ के पढ़ सकते इतना ऑनलाइन नहीं हो सकता। वहीं आगरा के कोलारा कला गांव और दीवारी गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि कोलारा कला पहुंचे एसडीएम फतेहाबाद अजय जायसवाल ने शराब पीने से मौत होने की बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सभी मृतकों की जान जो है वो बीमारी के चलते हुई है। फिलहाल जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मामले की हकीकत सामने लाई जा सके। दरअसल आगरा की फतेहाबाद तहसील स्थित गांव कोलारा कला में 4 लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 को अस्पताल ले जाया गया जहां उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। मामले में एसडीएम फतेहाबाद अजय जायसवाल ने बताया कि दोनों युवकों के परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था जबकि 2 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि डॉक्टर के मुताबिक ये 4 युवक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, शराब से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर थाना ताजगंज के देवरी गांव के रहने वाले 2 युवकों ने एक साथ शराब का सेवन किया जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी। यहां आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में अवैध शराब का कला कारोबार अपने पांव तेजी से पसार रहा है। राजस्थान बॉर्डर से कच्ची और घटिया किस्म की भट्टी वाली शराब आगरा में आसानी से देहात क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की अनदेखी भी इन घटनाओं में अहम भूमिका निभा रही है। सूचना मिली है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 2 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और 1 व्यक्ति की जो संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उनके पोस्टमार्टम के लिए भी जा चुका है। तो 1 व्यक्ति बीमार है अस्पताल में, मैं भी वहाँ से गया भी था अस्पताल, भी रामवीर जो अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब का स्पष्ट है कि इनको इन्फेक्शन कुछ हुआ है और अस्पताल जितने बुखार भी है, कुछ इन्होंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है, हैजा वगैरह भी हो सकता है इस तरह से। तो अभी संदिग्ध ही मामला, कोई ऐसा कोई अभी नहीं, जैसा कि चर्चा है कि जहरीली शराब से, लेकिन इस तरह कोई अभी 7-6 से मिल नहीं रहे हैं और नहीं डॉक्टर साहब के इससे प्रतिक्रिया भी करना कि इसके कारण अगर मौत होता तब तक मौत हो चुकी होती। तो दारू को कहाँ होगा, कैसे क्या हुआ, दारू किया कल ले आने कल? अच्छा, फिर भाई देखो परेशानी बन गई है, दिमाग में चढ़ गई, कहा है जाने क्या हुआ है। ये दारू पीते हैं लेके कहाँ से आते हैं? लेके जो झीलों में जाते हैं बापू, फिर आप कोलारी तो ले आवे थे। कोलारी में कोई दुकान वकान है क्या? दुकान दुकान बिकते हैं कोलारी में, 2-3 जगह है जी, 2 जगह बिकते हैं, 3 जगह बिकती है। अच्छा, गांव में बिकती है? गांव में बिना ठेका पे नहीं आती। कौन लोग बेचते हैं पता है आपको? थोड़ा एक तो रामलाल सुनार बेचता है, ठीक है, और दूसरे की पता नहीं कौन बेचता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के 2 गांव में ऐसा हुआ, लेकिन वहां पर पुलिस इसे मानने से इनकार कर रही है। क्या वजह हो सकती है, क्या हकीकत है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग स्थानों पर, 2 अलग अलग गाँव में, जनपद आगरा में तकरीबन 8 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जिसके बाद जो लोग हैं, जो लोग अवेयर थे कि शराब पीने के बाद इनकी डेथ हुई है, उनके परिजनों ने तो अंतिम संस्कार नहीं किया, पर जो लोग ये अवेयर नहीं थे उन्होंने संस्कार भी कर के नुमाइंदे ताजनगरी आगरा के इन गाँव में, और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि नहीं, शराब से मौत नहीं हुई है, ये जो मौतें हुई हैं इन लोगों के इंफेक्शन है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए हैं, क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में क्या कुछ है, कोई जानकारी? नहीं आई तो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और जो उनके सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि प्रशासन की अनदेखी ताजनगरी आगरा में हो रही है, काफी सारी जगहों पर अवैध शराब का काला कारोबार, जो की राजस्थान आगरा के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ से घटिया किस्म की स्पिरिट वाली भट्टियों वाली जो शराब होती है वो आगरा तक। कहीं ऐसे तो नहीं अमित की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आगरा के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की शराब मिलती है जो कि पूरी तरह से खराब होती है, कच्ची शराब मिलती है जो स्वास्थ्य को काफी ज्यादा बिगाड़ सकती है, कई बार ये जो शराब है वो लोगों की जान भी ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, शुरुआत अलीगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि जो शराब की जो मौतें हुई है वो शराब से हुई है। बिल्कुल वैसा ही मामला आगरा में है,
प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुख दर्शक बने हुए हैं। बिल्कुल अमित, जो परिजन हैं लोगों के जिनकी जान गई है, उनके जो परिजन हैं, क्या उन्होंने कोई आरोप लगाया है, कोई बयान सामने आया? ऐसा है, उन लोगों ने आरोप लगाया, उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे घर के जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो शराब पीने के बाद ही हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 डेथ हुई हैं, जो 8 मौत हुई हैं जहरीली शराब पीने के बाद, उन सब में सबसे बड़ी बात कॉमन ये है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उन सब ने पहले शराब का जो स्प्रिट मिली हुई है, जो कच्ची शराब है, उसका सेवन किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों की कॉमन यही बात है, ये शराब बहुत सस्ती और बहुत घटिया किस्म की शराब है। आप ये कह लीजिए प्रशासनिक अधिकारी और आबकारी विभाग, क्योंकि मेरे साथ में जल्द आपका रुख करूंगी। तो आगरा से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आगरा के 2 अलग अलग गांव में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई, करीब 8 मौतें बताई जा रही हैं। लेकिन एसडीएम की हम बात करें तो पुलिस की हम बात करें तो यहाँ पर ये सिरे से नकारा जा रहा है कि जो जान गई है वो शराब पीने से गई है। पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो मौतें हुई हैं वो बीमारी के चलते हुई है। परिवार कह रहा है कि जब से ये शराब पी उसके बाद से ही उनके जो परिजन हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी जान गई है। वहीं आगरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनत्ता क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल कर्मियों से 11 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। लूट की जानकारी मिलने पर एसएसपी आगरा के साथ आला अधिकारियों ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा क्षेत्र के रुनत्ता स्थित सुधीर फिलिंग स्टेशन का है, जहां पेट्रोल कर्मी मनीष और शेषवीर पेट्रोल पंप से 11 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जा रहे थे। तभी आगरा आईवे स्थित पुलिया के नीचे 3 बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल कर्मियों से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने लूट की वारदात के दौरान एक पेट्रोल कर्मी को गोली भी मार दी। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी कैमराज लगे हैं उनको भी खंगाल रहे हैं और साथ ही क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई है ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, उनको 3 लोगों ने पीछे से मोटरसाइकिल से ओवरटेक किया और उनके बीच में छीना झपटी हुई है बैग को लेकर, और जब नहीं दिया तो उन्होंने बताया जा रहा 12 बोर के कट्टर से फायर किया, लेकिन अभी हम उसके यहाँ रेसिड्यू देख रहे हैं कि 12 बोर है या 315 बोर है। और पहला फायर उसमें हवा में किया उन्होंने, दूसरा फायर मिस हो गया, उसके बाद उन्होंने बैग छोड़ दिया, ये बैग लेके यहाँ से भागे हैं। बता रहे हैं कि आगे एक और उन्होंने वाली मोटरसाइकिल छोड़ी है, जिस भी कारण से छोड़ी वो भी देख लेंगे। ऐसा हुआ, हम पंप का पैस लेके जा रहे थे, पीछे से 3 बैग समारा ने मोटरसाइकिल लात मारी, लातमा मोटरसाइकिल गिरी और जब गुत्थम गुत्था हुई है तब दूसरे बहने आए के फायरिंग फुल छोड़ दिया, सीधी गोली दी है, सीधी गोली के बाद वहाँ से कैश लूट लिया, अम्मा गिर गई, फिर भी उन्होंने दूसरी फायरिंग और खोली है, दूसरी फायरिंग हुई है मिस हुई है, फिर भी लेकर भाग गए वहाँ से 11 लाख SBI बैंक और आगरा से मेरे सहयोगी अमित शर्मा लगातार मेरे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। अमित, लगातार आगरा में कभी शराब पीने से लोगों की जान जा रही है और कभी बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला जो है, इस पूरे मामले में पेट्रोल कर्मी को दिन दिहाड़े लूट लिया गया, 11 लाख की लूट को अंजाम बदमाश देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ देखती रह जाती है। जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सुधीर फिलिंग स्टेशन का है, जो कि तालसन से आगरा में रुसट्टा एक जगह है जो आगरा और दिल्ली हाईवे पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिन से बैंकों का अवकाश था, इसके कारण काफी मात्रा में जो कैश था वो पेट्रोल पंप पे इकट्ठा था। कल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राजकीय शोक की वजह से भी छुट्टी कर दी गई थी, जिसके बाद वो कैश इतना पड़ा हुआ था। इसको लेकर जो पेट्रोल कर्मी है वो बैठ रहे थे रास्ते में, बदमाशों ने इनको लूटा है। और मैं आपको बता दूं कि आगरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर दिखाई दे रही है इस समय। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस लगातार अपनी पीठ थपथपाती है और ये कहती है कि आगरा में जो क्राइम का ग्राफ है उसे कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बेखौफ बदमाश लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहना है पुलिस का, कब तक बदमाशों को गिरफ्तार कर पाएगी? क्या सीसीटीवी कैमराज खंगाले जा रहे हैं? क्या कुछ सबूत हाथ लग पाया है? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, लूट की घटना के बाद जो आई टी नवीन अरोरा है उन्होंने खुद घटना स्थल का दौरा किया, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि जहां पे घटना स्थल है वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है, सारे बॉर्डर पे नाकाबंदी कर दी गई है, बदमाशों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर ये आप मानिए कि एक तरह का औपचारिक बयान है, इसके बाद पहले भी घटनाएं होती रही हैं जिनका पुलिस ने खुलासा तो किया है, पर उन खुलासों में अपने सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ी वारदात है, दिन दहाड़े एक पेट्रोल कर्मियों को लूट लिया जाता, 11 लाख रुपए की लूट हो और 11 लाख की लूट के बाद अभी तक पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले पाती, सिर्फ बयान के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पेट्रोल कर्मी को गोली मारी है, 11 लाख रुपए लूट कर 3 बाइक सवार बदमाश जो है मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। वहीं बिजनौर के सिहारा में देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब बाइक पर सवार होकर 2 युवक घर लौट रहे थे, तभी बाइक नाले के क्षतिग्रस्त पुल के नीचे जा गिरी, जिसके बाद राहगीरों और पुलिस की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक युवक की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि नाले का पुल तंग है और उसकी रेलिंग क्षतिग्रस्त होने की वजह से और अंधेरा होने के चलते यह हादसा हुआ है। बिजनौर का एक पूरा मामला है जहां पर एक भीषण हादसा हो गया, हादसे में एक की मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल बाइक पर सवार होकर दोनों युवक लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तभी एक नाले के पुल को पार कर रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त बाइक हो गई है, एक युवक जो है उसकी जान चली गई मौके पर ही, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में 12 गांवों के किसान इकट्ठा होकर ट्रॉलियों से कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां किसानों ने बीडीए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनों पर बीडीए विभाग कब्जा करना चाहता है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग हमारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर आलीशान कोठियां बनाकर उन्हें महंगे दामों में बेचना चाहते हैं। इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्या कमिश्नर के सामने रखी और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बरेली में बीडीए विभाग बीसरी चैनपुर क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन गांव की जमीनों को अधिग्रहण करने के बाद उस पर कॉलोनियां बनाना चाहता है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन खेती के लिए उपजाऊ है, जिन्हें वो किसी भी हाल में बीडीए विभाग को नहीं देंगे, चाहे उसकी कीमत किसानों को अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर किसानों ने हंगामा किया है। किसान जो है कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए और जमकर यहां पर हंगामा करने लगे। दरअसल उनका आरोप है कि जो उनकी जमीन है उनको हड़पा जा रहा है, साथ ही साथ उनकी जमीनों पर कब्जा करके उस पर आलीशान यहां पर जो बंगले हैं वो बनाए जा रहे हैं, आलीशान घर जो हैं वो बनाए जाएंगे और उन्हें महंगे दामों में बेचा जाएगा। हमारा कारण ये है, ये जो है बीसी साहब मनमानी कर रहे हैं, हमारे कुछ जमीन जो है हमारे गांवों की पहले विकास जो है बीडीए जो है अधिग्रहण कर चुका है और शेष जमीन बची हुई है वो भी चली जाएगी, तो हम गांवों के लोग क्या करेंगे, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, हमारा गाँव 12 गाँव पालन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज किसान बंधुओं ने माननीय विधायक पप्पू परतोल साहब माननीय विधायक जी के साथ में आए थे, हम आज डिस्कस किया, वार्ता किया है और जो किसान बंधुओं को समस्या है उसको जिला प्रशासन के साथ में जो अधिग्रहण संस्था है, जो हमारा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, इनके बीच में हम लोग बैठ करके जो माननीय विधायक जी के वार्ता करके हम लोगों ने बात की है, 30 तारीख को मीटिंग करा लेंगे और मीटिंग करके जो सरकार और प्राधिकरण और प्रशासन किसानों को समस्या है वो हल करने के लिए पूरा प्रयास कराया जाएगा। कि भाई किसान के साथ सरकार है, हम सरकार के आदमी हैं, किसान का किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने देंगे। पहले भी जब बड़ा पाईपास बना था उसमें भी किसानों का पैसा रुका रहा है, वो बहुत किसान परेशान रहे उस बारे, इस बार भी किसानों को ये डर है कि शायद मेरा जमीन ले लेगी, मुझे पैसा। जब बड़ा बाईपास निकला तब मैं बच्चा था, अब जो भी बाईपास निकल रहा है 43 किलोमीटर का एक रिंग रोड निकलेगा जी, उसमें किसान को पैसा मिलेगा, रोड निकलेगा, किसान की उन्नति होगी। लेकिन यहाँ जो ये गाँव 12 हैं, इन 12 गाँव में जब तक किसान नहीं चाहेगा कोई जमीन नहीं ले सकता। हम भी किसान हैं,
और किसान है तो किसान का दर्द जानते हैं, किसान की ज़मीन क्यों ली जाई हुई है, किस ली जाए, किसान किसी कीमत पर ज़मीन देंगे नहीं। गाजीपुर के जबानिया क्षेत्र के दरौली में लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी परेशानी का कारण गांव में बनी पोखर का पानी है, जिसके चलते जुमानिया से दरौली जाने वाला मार्ग भी पानी से डूबा रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब तक इस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण पोखरे में तादाद से ज्यादा पानी भर गया है और पोखरा ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से पोखरे का पानी गांव में ही भर गया है। वहीं जलभराव से गांव के लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विधायक, सांसद या फिर जिला प्रशासन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता। गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर गांव में पूरी तरह से पानी भर गया है, आवागमन में ग्रामीणों का खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी में योगी सरकार गुंडों और माफियाओं के धज्जे उड़ाने का अक्सर दावा करती है। इसी दावे के बीच एक नया मामला सामने आया। दरअसल कानपुर इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर कानपुर के सुपारी माफिया गैंग ने राइफल तमंचे के बल पर जीएसटी अधिकारियों से सरेआम सुपारी का ट्रक लूट लिया। इतना ही नहीं, ट्रक कस्टडी में लेने वाले दो सिपाहियों को पीट कर इन माफियाओं ने ट्रक से नीचे फेंक दिया। जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर की टीम ने जब इसका विरोध किया तो इन माफियाओं ने जीएसटी अधिकारी को राइफल के बल पर चुप करा दिया। इस लूट की एफआईआर जीएसटी अधिकारी ने फतेहपुर के कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई है। आपको बता दें कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सुपारी और पान मसाले में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ 20 अगस्त से जीएसटी का विशेष अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत रविवार रात को लखनऊ से कानपुर मुख्यालय को सूचना दी गई थी कि नागपुर से एक ट्रक में टैक्स चोरी की सुपारी लाई जा रही है, जो कानपुर के सिंह एंटरप्राइजेस को नागपुर के क्रांति सप्लायर के नाम से भेजी जाएगी, जिसके बाद जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर प्रदीप सिंह की टीम ने ट्रक को कानपुर नेशनल हाईवे पर पकड़ कर लिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसको जीएसटी टीम ने फतेहपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में पकड़ लिया है। तो कानपुर का ही पूरा मामला, जहां पर 20 अगस्त से सरकार ने जीएसटी का विशेष अभियान चलाया था, लेकिन जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।